दोस्तों, आज हम बना रहे हैं दाल भरा पराठा। तो इसके लिए सबसे पहले हम आटा का डो लगा करके रख देंगे। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें हमें बस थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक और एक चम्मच तेल दे करके इसे अच्छी तरह से गूंथ लेना है और इसे थोड़ी देर ढक के रख देना है। अब हम आते हैं दाल की तरफ। दाल के लिए जो है, हमने इसे अच्छी तरह से चना का दाल लिया था और इसे अच्छी तरह से धो करके और इसे हमने कुकर में इस तरह से बिल्कुल भी गलाना नहीं है आपको। दाल बिल्कुल खड़ा भी रहे और गला भी होना चाहिए इस तरह ही। कम से कम इसमें 20 से 25 मिनट लग जाएंगे आपको कुकर में दाल को गला लेना है। और इसमें हमने सिर्फ नमक और थोड़ी सी हल्दी का इस्तेमाल किया है। अब हम इसका तड़का लगाएंगे। तो तड़के के लिए हम तेज पत्ता, मिर्च और जीरा है, ये कटा हुआ प्याज है, धनिया पत्ता, हरी मिर्च है, गरम मसाला है, थोड़ा अदरक का पेस्ट है, स्वाद अनुसार नमक जाएगा और थोड़ी सी एक चुटकी हींग जाएगी। बस अब हम देखें कैसे ये बनती है। इसमें तेल डाल दिया है और ये दो खड़ा लाल मिर्च हम इसमें पकाएंगे। थोड़ा सा इसे हम पका करके निकाल लेंगे। इसमें हम और 2 चम्मच तेल डालेंगे, क्योंकि अभी हम दाल का तड़का लगाना है। तेजपात डालेंगे और ये जीरा, ये हल्का सा रोस्ट होगा और इसे हम हल्के ब्राउन होने तक भूनेंगे। मेरा भून के तैयार हो गया है। अब हम इसमें ये अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच, ये कटा हुआ धनिया पत्ता, हरी मिर्च और ये चुटकी भर हींग। हींग हमने पहले नहीं दिया है क्योंकि हमने इसे कच्चा हींग दिया है ताकि ये दाल में इसका फ्लेवर और अच्छे से आएगा। और हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। जब तक ये भून रहा है, हम इधर आपको दिखा दें कि ये जो हमने मिर्च शुरू में पकाई थी तेल में, तो उसे हम थोड़े से नमक के साथ मिर्च को मिलाएंगे अच्छी तरह से। इसे मैश करेंगे नमक के साथ। और इस मिर्च को जो है आपको इस दाल के ऊपर डाल देना है। मेरा अब प्याज बिल्कुल अब तैयार हो गया है। अब हम इसमें ये गरम मसाला देंगे कुटा हुआ। चना दाल में थोड़ा सा मीठा टेस्ट होना चाहिए, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा चीनी दे रहे हैं, 1/2 चम्मच के लगभग। और अब हम इस दाल को इसमें डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसे हम तकरीबन 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से इसे हम भूनेंगे। इसे बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है, इसे हल्का ही गीला गीला रखना है ताकि ये अच्छी तरह से इसका ये अच्छी तरह से ये आटा में स्टफ हो। हम दाल पराठा के साथ ये टमाटर की मीठी चटनी बनाएंगे। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है पराठा के साथ। आइए देखते हैं ये कैसे बनेगी। इसके लिए हमें चाहिए पके हुए लाल टमाटर, जिसको हमने बारीक काट लिया है, और इसमें लगेगा थोड़ा सा अदरक का पेस्ट, ये शादी वाली नमक, गरम मसाला, ये खजूर है, थोड़ा चीनी, और तड़के के लिए मिर्च है, तेजपत्ता है और सरसों का दाना है। और ये जो है, ये है गलांगल या आमादा इसे कहते हैं। ये अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अदरक से भी आपका काम चल जाएगा। वैसे ये किसी भी ग्रॉसरी शॉप में आजकल मिल ही जाता है लगभग, या मॉल वगैरह में भी आपको मिल जाएगा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है टमाटर की चटनी में, इसका टेस्ट बिल्कुल दोगुना हो जाता है। इसका स्वाद आम, हल्का आम के फ्लेवर के जैसा होता है, इसलिए इसे हम आम आदा भी बोलते हैं। तड़के के लिए इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं देना है, बिल्कुल हमने 2 बूंद के लगभग इसमें सरसों का तेल डाला है। अब हम इसमें डाल देंगे ये सरसों, ये मिर्चा, इसे हम छोटा तोड़ लेंगे, और ये तेज पत्ता, इसे हम थोड़ा सा अभी पकने देंगे, हल्का सा ये चटकने लगे।
टमाटर इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसमें मिर्ची भी डालेंगे हल्का सा। टमाटर में खट्टापन होता है इसलिए इसमें हम हल्का सा सॉल्ट डालेंगे। और ये जो हमने खजूर जिसे हमने पानी में अच्छे से धो करके रखा हुआ था इसे हम डाल देंगे। और ये जो गलांगल है इसे हम कद्दूकस करके इसमें डालेंगे। और ये थोड़ा सा अदरक जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से अभी ढक करके करीबन 15-20 मिनट अभी इसे हम छोड़ देंगे। मेरा चटनी बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे लास्ट करेंगे, हल्का थोड़ा सा पिंच ऑफ गरम मसाला इसमें हम डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे बिल्कुल इसी तरह ही गाढ़ा गाढ़ा रखना है। चटनी बहुत अच्छी बनी है और ये गलांगल डालने से इसका टेस्ट दोगुना हो जाता है। आप प्लीज़ कभी भी इसे आप बना करके देखिए और खाइए। और ये मेरा बन गया है। अब हम दाल पराठा बनाते हैं। और अब ये मेरा दाल का फिलिंग भी तैयार हो गया है। इसे बिल्कुल इतने ही पर सुखाना है, ये ज़्यादा इसे नहीं सुखाना है, इसे इतना ही थिक रखना है। और अब हम ये थोड़ा सा अब ठंडा हो जाए तब हम इसे ये पराठा आपको दिखाते हैं। हम पराठा बनाएंगे इस तरह से। हमने एक लोई ले ली है। अब इसे हम अच्छी तरह से गोल कटोरी की तरह इसे हम बनाएंगे। हमारा पराठा थोड़ा बड़े साइज का बनेगा इसीलिए कटोरी थोड़ी बड़ी बन रही है। ये इस तरह से ये कटोरी बन गई। अब हम इसके अंदर ये फिलिंग डालेंगे दाल का। इसे हम अच्छी तरह से यूँ ले करके और इसे अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि बेलने के टाइम पे ये फटे नहीं, निकले नहीं बाहर। और हम इसे खास करके इसमें थोड़ा ज़्यादा से भरते हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा फिलिंग भरा रहेगा तो पराठा बहुत ही अच्छा बनता है। और अब हम इसे इस तरह से सील कर देंगे। ये इसका पूंछ जो निकला इसे हम इस तरह यहाँ सेट करेंगे। और अब हम इसे थोड़ा सा सेट कर लेंगे चारों तरफ घुमा करके और इसे हम बेलने के लिए तैयार कर लिए। और अब हम इसे धीरे हाथ से, काफ़ी प्रेस नहीं करेंगे, थोड़ा सा सूखा हुआ आटा का छिड़काव करते हुए और इसे हम धीमे हाथ से गोल गोल घुमाएंगे। ये जो फट रहा है इसके लिए चिंता करने का नहीं है, ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। और ये इसी तरह ये मेरा बन गया है, देखिए। और अब हम इसे थोड़ा सा ये आटा को इस तरह से झाड़ते हैं और इसे हम, और सीखने के टाइम पे आप आपकी मर्जी है। अगर आप ज़्यादा तेल खाते हैं तो थोड़ा एक चम्मच ज़्यादा तेल डालेंगे, कम खाते हैं तो कम डालेंगे। और इस तरह से ये इसे बिल्कुल धीमी आंच पर हल्का ब्राउन होने तक इसे हम सेक लेंगे। अच्छी तरह से चारों से गोल गोल घुमा कर इसके कोने को सेकेंगे। देखिए कितना अच्छा बना है, खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप नाश्ता में, खाना में भी खा सकती हैं, अपने सफ़र के दौरान भी इसे कहीं लेके भी बना के जा सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसे आप सब्जी के साथ भी खाइए, चटनी अचार के साथ भी खाइए, या कुछ भी नहीं है तो इसे सादा भी खाइए तो भी ये उतना ही टेस्ट देता है। चलिए पराठा मेरा सीख के तैयार हो गया, अब हम इसे चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी फिलिंग बिल्कुल बैठी हुई है और ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। दाल वाला पराठा बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनता है। और ये मेरा पराठा बनके तैयार हो गया है। साथ में चटनी है, सैलेड है, इसके साथ आप परोसें, खाएं, खिलाएं, सभी को खिलाएं और हमें बताएं, हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।